ये हत्या की गुत्थी बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि ये एक अलग तरह का मामला है जहां पहले ये लगा कि ये जमीन के मामले को लेकर की गई हत्या है, क्योंकि ये पता चला पहले आरोपी से कि उसने जमीन के लिए, जमीन की लाइजिंग के लिए इसको लेकर गया था। बाद में पता चला कि वो जमीन दिखाने ले गया था ताकि वो इसे बेचेगा और उसका जो बकाया पैसा है, जो पैसा आरोपी जो हर्ष राठौड़ है उसका, उसके पास बाकी है क्रिकेट बेटिंग में 18 से 20 लाख रुपया, किसका, ये जो मृतक है मिस्टर सुरवे, विजय सुरवे उसका, और वो उसके लिए लगातार तगादा कर रहा है, लगातार उसको उसको धमकियां दे रहा है, और उस कारण से उसने ये सुनिश्चित कर लिया और ये षड्यंत्र किया कि वो इसको मार डालेगा। इसलिए सहायता के लिए उसने इखलाक अहमद, इकबाल अहमद इदरीसी को अपना साथी बनाया और षड्यंत्र में शामिल किया। उसमें उसने 20,000 रुपये उसे देने का वादा किया, रस्सी, रॉड और लोहे की रॉड, और साथ में एक जिसे बोरा या बारदान या थैला कहते हैं वो साथ में लेकर गया, और उसे जमीन दिखाने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया, उसकी मोटरसाइकिल से I-10 में, जिसमें वो नगर पे जा कर के ये जिस बेटिंग का धंधा करता था उसी गाड़ी में बिठा करके वो उसे वहाँ ले गया, और वहाँ ले जाकर उसने रॉड से उसके सर पे अटैक किया। जब वो घायल हो गया बुरी तरह तो उसके गले में रस्सी लगाकर उसको कैरोटिंग कहते हैं उसको, स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं, तो स्ट्रैंगुलेट किया, और स्ट्रैंगुलेट करने के बाद मर जाने के बाद उसे रॉड के तामिनी घाट के इलाके में फेंक दिया, जहां उसकी लाश सौभाग्य से पुणे ग्रामीण पुलिस को सूचना मिलने के आधार पर मिल गई, और उन्होंने तुरंत ही जो पुलिस पाटिल है आकाश नामदेव कांबड़े मुर्शिदपुर के, उनके कंप्लेन पे 302-201 का केस दर्ज किया, अपराध दर्ज किया, और इस अपराध को दर्ज करके लगातार तफ्तीश करके शाम तक केस को का पर्दाफाश किया, गुनहगारों का पर्दाफाश किया। दूसरा गुनहगार 14 तारीख को, ये 10 तारीख की घटना है, 14 तारीख को यूनिट 2 की पुलिस ने घर दबोचा, और इस तरह से ये पूरा क्रम पूरा हो गया, जिससे ये बात समझ में आई कि क्राइम कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। दूसरा आरोपी निगड़ी का वर्तमान में रहने वाला है, 1.5-2 साल से वहाँ रह रहा है, इसके पहले वो दिल्ली के रशीद शाही, रशीद मार्केट शाही मस्जिद गणेश पार्क कृष्णा नगर शिवपुरी का रहने वाला है मूलतः, उसका परिवार वहाँ रहता है। और पहला आरोपी जो है हर्षद अशोक कुमार राठौड़, वो बहुत ही उच्च शिक्षित है, वो डी फार्मा किया हुआ है, लेकिन धंधा लाइजनिंग का करता है, और ये भी निगड़ी का रहने वाला है। तो निगड़ी के रहने वाले दो मित्रों ने मिलकर एक व्यक्ति का बहुत ही जघन्य खून करके उसके सभी साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की, जिसके पास बेटिंग के अवैध व्यवसाय में उनका 20 लाख रुपया देना बाकी था।